हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। यहां पर BTUP की तरफ से दो ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं। क्या है इन नोटिसों में, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और भैया BTUP ने क्या कहा है इन नोटिसों के माध्यम से, सभी आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आ रहे हैं, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल होगा इसको जरूर ऑल पे सिलेक्ट कर लो, ताकि आपको हमारी पल पल की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और भैया जिनका बैक आया है ना, बैक है जिसका, उनका क्लियर कर दिया है या नहीं किया है, सारी अपडेट मैं देने वाला हूँ। और जो इस सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, पिछला फर्स्ट सेमेस्टर बैक तो क्लियर हो ही गया है, और नो रिकॉर्ड फाउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाएगी। और UFM लगा है उसका क्या होगा भैया, सारी अपडेट में देने वाला हूँ। तो जो चैनल पहली बार चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। देख सकते हो नोटिस कुछ इस प्रकार दे रखा है, और आज की यहाँ पर डेट है। पहले आप डेट देखो भैया, डेट देखिए, आज की डेट है 22 तारीख 9 महीना 2021 का ऑफिशियल नोटिस है BTU की तरफ से निकाला गया है। क्या है, चलिए मैं पूरा पूरा आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर है देखिए, प्रेक्षक सचिव प्राप्त शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये हमारा डेट देखिए। मेन टॉपिक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। देखो इस नोटिस में ये बताया जा रहा है कि जिन फाइनल ईयर वाले यहाँ पर विशेषकर ध्यान देंगे, पहला नोटिस देख लो ठीक है। जिन छात्र छात्रों के नाम माता पिता के नाम आदि में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, उसके संबंध संशोधन कराने में नोटिस निकाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो भी अपडेट है सबको देते हैं आपके लिए। डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स हो या फिर JEE NEET, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। फ्लो ऐप के साथ आप किसी भी समय मात्र 3 स्टेप में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है और सर्च करना है फ्लो ऐप, या फिर डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर नंबर डालना है और यहाँ पर साइन इन हो लेना है। उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन टाइप करके भी पूछ सकते हो, या फिर गैलरी से भी क्वेश्चन भी लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। मात्र 60 सेकेंड के अंदर एक्सपर्ट आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे वीडियो कॉल के जरिए। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया है यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। सो डाउनलोड करें फ्लो ऐप। फ्लो ऐप का प्रीमियम ले रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज करना ना भूलें, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि जो आपका फादर नेम मदर नेम गलत हो गया है तो उसको सही करा सकते हो। अभी ये मौका है, यहाँ पर देख सकते हो महोदय परिषद द्वारा सेमेस्टर सिस्टम वार्षिक अंतिम वर्ष छात्रों का परीक्षा फल घोषित किया जा चुका है, और शीघ्र ही TR प्रिंट कराकर संस्थाओं को प्रेषित किया जाएगा। उक्त परीक्षा फल में यदि किसी छात्र छात्राओं के माता पिता का नाम गलत है ना, या फिर कोई त्रुटि हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके सुधार है तो यूराइज पोर्टल पर संस्था लॉगिन में, ठीक है, संस्था लॉगिन के अंदर एक होता है ग्रीवेंस नाम का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, टैब के अंदर स्टूडेंट्स करेक्शन लिंक पर क्लिक करते हुए वांछित डिटेल अपलोड करते हुए 26/9/2021 तक आपको भैया पूर्ण रूप से करा लें, उसके बाद संशोधित नहीं होगा। और 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है, जल्दी से आप जाओ और संशोधन कर लो अगर आपकी कोई गलती है तो मार्कशीट में, ठीक है। दिनांक 26/9/2021 को शाम 5 बजे तक लिंक हट जाएगा, 5 बजे के बाद लिंक हट जाएगा। तो अपने कॉलेज से कहिए फटाफट से जल्दी से हमारा जो भी संशोधन है कर दें, ठीक है। और अंक तालिका एवं आप देख सकते हो TR प्रिंट करा दिया जाएगा, इसके उपरांत कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, है ना, ये चीज़ आप देख सकते हो। और ये सब माता पिता का नाम आपका आवेदन जो मतलब गलत हो गया उसको सही करने के लिए नोटिस निकाला गया है। अब यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस है, देख सकते हो आप लोग, 22/9/2021 का नोटिस है, और जैसा नोटिस निकाला जाता है बच्चों सेम वैसा ही ऑफिशियल नोटिस है। सिग्नेचर माननीय श्री सुनील कुमार सोनकर, जो कि सचिव BTUP के। अब अगला नोटिस क्या है भैया, अगला नोटिस भी देख लो। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो नो रिकॉर्ड फाउंड की प्रॉब्लम आ रही है उनको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको लाइव बताने वाला हूं। देखिए यहां पर जो नोटिस है बिल्कुल सेम इसी के रिकॉर्डिंग निकाला गया था, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। फिर उन्होंने 20 तारीख को निकाला, फिर 22 को निकाल दिया। तो पहले इन्होंने 20 को ये निकाला था, उसके बाद 22 को फिर से निकाल दिया। इसमें क्या था देखिए, इसमें वही था डिप्लोमा प्राप्त
संसद छात्राओं के छात्रागण संशोधन हेतु। अब देखिए भैया, ये नोटिस में बस यही बताया जा रहा था कि अगर आपका मतलब नोटिस में यही था जो मैंने उसमें बताया, उसी का मतलब दोबारा से इन्होंने रिसेंट लिखा रहा है। अब देखिए इनमें बताया क्या जा रहा था, जैसे हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट गलत है, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मार्कशीट की छाया प्रति, ठीक है, अगर आपके किसी भी डिप्लोमा में डिप्लोमा कर रहे हो आप लोग, ठीक है, उसमें फाइनल मार्कशीट में कोई गलती आई है, माता पिता के नाम में कुछ एरर्स हैं, कॉलेज में जाइए, हाई स्कूल की मार्कशीट ले जाओ, ठीक है, फोटो कापी करा के प्रधानाचार्य को देना पड़ेगा आपको, छात्र की पहचान जैसे आधार कार्ड ले जाओ, हिंदी अंग्रेजी में नाम दोनों में हो, और प्रधानाचार्य को देना पड़ेगा आपको ये भी, अंत सेमेस्टर की उत्तीर्ण मार्कशीट की छायाप्रति अथवा समस्त्र प्रस्तुत किए जाने के संशोधन ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जब तक ये आप लोग कॉलेज में नहीं दोगे उसके भाई उससे पहले ये चीज़ नहीं हो पाएगा, है ना, ये चीज़ नोटिस आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, आप देखिए बच्चों, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमारा जिनका बैक आया है, जिनका इस एग्जाम में बैक आया है, वो यहाँ ध्यान सुनेंगे, उनका बैक पेपर अगले सेमेस्टर में ना होकर फोर्थ सेमेस्टर में होगा, ठीक है, कब होगा भैया, फोर्थ सेमेस्टर में होगा, जिनका टू सेमेस्टर में बैक आया है उनका जो बैक पेपर होगा वो फोर्थ सेमेस्टर में होगा, ठीक है, अब रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, ये बात मेरी सुन लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। अब जिन जिनका क्या आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड जिसका आ रहा है, वो मेरी बात ध्यान सुनो, जिसका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है भैया, वो अभी यूएफएम की कैटेगरी में है, किसकी कैटेगरी में है, यूएफएम की कैटेगरी में वो लगे हुए हैं, जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है वो बच्चे यूएफएम की कैटेगरी में है। अब बीटीयूपी सोच रहा है उनका रिजल्ट निकालें ना निकालें, हो सकता है बाद में आपको चेक कर लें, उसके बाद वो निकाल सकते हैं, अभी पता नहीं है, हो सकता है आपको यूएफएम लगा है, ऐसा मान के चलिए, जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है उनका यूएफएम लगा है। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, और जिन बच्चों का क्या चीज़ था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था क्या गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था जो बच्चे पूछ रहे थे, हाँ यूएफएम का क्या होगा, बैक वालों का क्या होगा, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। चलिए फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो, यहाँ पर सारी अपडेट सबसे पहले आपको दी जाती है, जाइए फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर आज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।